संकीर्तन है, आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, सब लोग जगन्नाथ जी का आह्वान करिए, प्रेम से सब लोग गाइए। सबसे पहले तो दोनों हाथ उठा करके और पीछे पीछे बोलेंगे, अभी तक उठा उधर होगा। श्री जगन्नाथ Thank you.
के दिन का महत्व मेरे पास में शब्द ही नहीं है बताने का। ऐसा समझिए आज के दिन जो मुक्ति करोड़ों अरबों खरबों रुपयों की है वो मात्र कौड़ियों की हो जाती है। माने जिन लोगों के पास में अपनी मुक्ति का कोई साधन नहीं, ध्यान से सुनिए, जिन लोगों के पास में अपनी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं, सब ध्यान से सुनो, जिन लोगों के पास में अपनी मुक्ति का कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वो आज के दिन रथ में बैठे हुए जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले, मुक्ति एकदम निश्चित। आज मुक्ति का भंडारा है, मुक्ति का भंडारा, जैसे कल मुक्ति थी ना, ऐसे ही आज मुक्ति का भंडारा है। तो इसलिए हम लोग आज श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा उत्सव के प्रसंग पर अपनी गोवत्स पाठशाला प्रारंभ करने जा रहे हैं। पाठशाला को प्रारंभ करने से पूर्व मैं जिनका एक दुर्लभ सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है, महाराष्ट्र पूना से पधारे, जो वर्तमान में वेदश्री तपोवन की शोभा बढ़ा रहे हैं, और जो सिर्फ वेदश्री तपोवन की नहीं हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की शोभा है, एक ऐसी महान योग विभूति, एक ऐसी महान कर्म विभूति, जो अपने 92 वर्ष की आयु में भी 1000 सूर्य नमस्कार करने की क्षमता रखती है और 600 सूर्य नमस्कार तो आज ही जिन्होंने कर लिए, ऐसे वेद के, आरोग्य के, आयुर्वेद के नानाविध विषयों के अनुभवी विशेषज्ञ आदरणीय श्री दादा भाई जोशी को मैं प्रार्थना करता हूँ वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब उनका दादा भाई में एक विशेष कला है, किसी भी जवान से वो हाथ मिलाकर उसके सारे रोगों को पकड़ लेते हैं, उसकी सारी कमजोरियों को पकड़ लेते हैं। और एक बात बताऊं आपको, अगर किसी का कहीं चक्कर चल रहा हो वो भी पकड़ लेते हैं। तो ऐसे लोग सोच समझ के हाथ मिलाए। और अभी जिनका हमको सुंदर वक्तव्य सुनने को मिलने वाला है, आप लोगों को पता होगा ना पता हो तो मैं बता दूं, जो मैंने पाठशाला का पत्र भेजा था उसमें मैंने चर्चा की थी कि हम सब लोग दवाइयों के अधीन न रहे, दवाइयों के आश्रित न रहे, हमारा खान पान ही हमारे लिए सबसे बढ़िया उपचार है। हम जो खाते हैं उसी को ठीक कर लें तो आपको कभी भी रुग्णावस्था झेलनी नहीं पड़ेगी। ये अपनी पाठशाला उसी पर आधारित है। आज जिनका इस विषय पर हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा और इस विषय से संबंधित हमारे प्रश्नों के उत्तर भी जिनसे प्राप्त होंगे, जिनके पास में एक लंबा आयुर्वेद चिकित्सक का के रूप में अनुभव प्राप्त है, राजस्थान सरकार ने भी जिनको आयुर्वेद के क्षेत्र में विशिष्ट चिकित्सक मानते हुए एक वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया है, और आरोग्य के ऊपर जिनके लेख समय समय पर प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, और पिछले कई वर्षों से पथबेड़ा गोदाम के द्वारा जो पंचगव्य आयुर्वेद का अभियान चल रहा है उसकी वर्षों से जिन्होंने कमान संभाल रखी है, उसको मार्गदर्शन भी दे रहे और स्वयं श्रम करके ऐसी नवीन नवीन औषधियों को प्रकट कर रहे हैं जो वर्तमान समय में लोगों के लिए जीवनदायी है। बीते 2 वर्ष के कोरोना काल में गो तीर्थ के रूप में आपने कैसी दिव्य औषधि तैयार करी कि जहां कोरोना की सब दवाइयां फेल हो गई वहां गो तीर्थ ने लाखों लोगों को कोरोना से बचाया। ऐसे
अनेक जिन्होंने रसायन औषधियां हमें प्रदान करी है, ऐसे हमारे वैद्य रत्न डॉक्टर श्री श्याम सिंह जी राजपुरोहित को मैं विनती करता हूँ वो भी मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हम सब उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करने आयुर्वेद जगत की एक विशिष्टतम विभूति है, लेकिन आपकी सादगी ही आपकी विशेषता है। हम खूब स्वागत करते हैं। चलिए उनकी सहजता, अब हम लोग क्रम को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं हमारे मंदिर के गिरधर मंदिर के अर्चक श्री किरण जी से कहता हूँ, वे शंखनाद करके आज के इस गोवत्स पाठशाला के प्रथम सत्र को प्रारंभ करें।